हे गाइस वेलकम। तो कैसे हो? आई होप सब ठीक होगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि आपको क्या चेंजेस देखने मिलेंगे पबजी मोबाइल और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आई नो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, फाइनली आ ही जाएगा। और मैंने ऊपर आई बटन में एक वीडियो दी है कब भी लीक, और लीक मतलब कब भी आने वाला है गेम, वो आपको आई बटन में दिख जाएगा। तो पहला आप स्टार्ट करते हैं कौन से चेंजेस से आपको देखने मिलेगा। तो गाइस ये इन्होंने गेम पूरा चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लड का कलर है जो ग्लोबल में रेड दिखता है, वो मतलब नॉर्मली ब्लड दिखता है, रेड ही होगा। तो उसके बदले उन्होंने रेड कलर पूरा हटा के उन्होंने ग्रीन कलर कर दिया। ग्रीन हो सकता है मतलब येलो भी हो सकता है, आपको ऑप्शन आएगा, पर रेड का ऑप्शन उन्होंने निकाल दिया है क्योंकि वो चाइल्ड फ्रेंडली करना चाहते हैं गेम में से। आप इसमें भी देख सकते हो जैसे कि गेम फॉर पीस में हो गया, उसमें भी उन्होंने रेड कलर निकाल दिया है, उसके बदले दूसरे ऑप्शन दिए उन्होंने, येलो हो गया मैंने देखा था, तो ये भी है, ग्रीन कलर भी है, तो होता है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यार पहले बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते थे कि जब पबजी था इंडिया में, तो यार बहुत से बच्चे थे जो उनका गूगल पे का पेरेंट्स का अकाउंट लिंक होता था, तो उन लोग डायरेक्ट यूसी खरीदते जाते थे भाई 14-15 हज़ार 20-50 की तक लेके आते थे और उनको पता ही नहीं चलता था। तो पबजी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, उन लोगों ने डेली लिमिट लगा दिया, मतलब आप 7000 यूसी स्पेंड कर सकते हो पर डे, कल वापस आप 7000 यूसी स्पेंड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यार पेरेंट्स को पता तो चल जाएगा 24 घंटे में भाई 7000 गए कहाँ, मतलब 7000 का क्या परचेज किया, मतलब जो भी उसी का प्राइस चल रहा रहेगा वो हिसाब से। तो नेक्स्ट आते हैं इवेंट। आपको तो इवेंट मालूम ही होगा कि हर टाइम कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि कुछ इवेंट आते हैं। तो अभी जो भी इवेंट आएगी वो इंडिया ओनली होगी, अभी आपको इवेंट ग्लोबली नहीं देखने मिलेंगे। शायद से कोई इवेंट रहेंगे जो मतलब सबको एक साथ जो सब जगह आने वाले रहेंगे वही आपको देखने मिलेंगे, नहीं तो आपको इंडिया ओनली इवेंट देखने मिलेगा, जैसे कि जो इंडिया सेंट्रिक की होगी। तो चलिए नेक्स्ट की दूसरे चेंजेस की ओर पढ़ते हैं। आपको ये भी लीक आ रहे हैं, मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि आपको थोड़ा बहुत इंडियन कल्चर जैसा भी थोड़ा उन लोग अपडेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या क्या अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा कि उन लोग थोड़ा इंडियन कल्चर जैसा लीक आ रहे थे कि क्या है, मैंने आर्टिकल पढ़ा, तो विल सी कि अपडेट आने के बाद क्या है। तो चलिए नेक्स्ट चेंज की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस बहुत लोगों को ये भी टेंशन है कि उनका पुराना डाटा, जैसे कि भाई स्किन्स हो गया, उन लोग के आउटफिट्स हो गए, वो उनको वापस मिलेंगे कि नहीं। तो यार बहुत लोगों ने बहुत सारा पैसा जो लगाया इसमें, आई होप 90% तक तो चांस है कि वो उन लोग पूरा यहाँ पे लेके आएंगे उनका डाटा सितंबर तक का, क्योंकि उसके बाद तो गेम बंद हो चुका था। तो और ये भी लीक्स आ रहे हैं कि शायद से पूरा, अगर ये अभी ग्लोबल पे जो सीज़न चल रहा है वो तो बहुत आगे पहुँच चुका है, तो ये भी लीक्स आ रहे हैं कि ये पूरा नंबर 1 सीज़न से चालू करे एकदम नया सीज़न। आप सबको तो मालूम ही होगा गेम फॉर पीस हो गया और कोरियन पबजी हो गया, वो आपको मालूम होगा थोड़ा सा ग्लोबल वर्जन से आगे चलते, मतलब उनका आपको जो टू साइड स्कोप मालूम रहेगा आपको, वो सबसे पहले गेम फॉर पीस में भाई 1.5 मंथ पहले आ चुका था, वो बीटा में नहीं था भाई, पूरा मतलब आ ही गया था, उसके बाद ग्लोबल वर्जन में आया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गेम मतलब आगे चल रहा है, अपडेट जल्दी पुश कर रहा है, सबसे जो भी नया कुछ चीज़ आ रहा है तो वो पहले उधर आ रहा है। सेम ऐसे इंडिया के बैटल ग्राउंड इंडिया में भी हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रीजन के लिए बना रहे हैं। तो देखते हैं कि उन लोग क्या करते हैं, आप ये आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, दो डेवलपर्स के ऊपर है क्या है, देखते। तो नेक्स्ट चेंजेस की ओर आते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यार ये इंडिया ओनली होगा, तो रीजन का यहाँ पे तो कुछ नहीं भाई, आपको सर्वर एक ही मिलेगा वो है एशिया। तो बाकी ऑप्शन थे जैसे कि यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, वो सब सर्वर अपने को कुछ मायने ही नहीं रखते, क्योंकि अपन खेल ही इंडियन लॉबी में रहे तो हम लोग को उसका क्या
अगर आप देखें कि कोरियन पबजी में क्या आप दूसरे ग्लोबल के साथ खेल सकते हो, ऑप्शन उसमें है। तो अभी देखते हैं उनका लॉन्च होने पर उन लोग ने ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लोबल पबजी है उसको उन लोग ने रखा है कि नहीं। नहीं तो आप गेम फॉर पीस में कैसे आप नहीं खेल सकते, ग्लोबल और गेम फॉर पीस पूरा अलग चलता है। तो देखते हैं इन लोग, नहीं ये भी रीजन स्पेसिफिक है और गेम फॉर पीस भी रीजन स्पेसिफिक है। तो विल सी, जब आएगा तब मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। तो गाइस इतने ही लीक्स मुझे अभी तक मिले आर्टिकल वगैरह यहाँ वहाँ से ढूंढ के, तो मैंने आपको बता दिया। कुछ लीक्स मैंने खुद भी देखे, मतलब ये कॉमन से थे वो मैंने देखे और कुछ आर्टिकल से पढ़े। तो आपको कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो, और ये ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।